हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं सब लोग। और मेरा नाम है देखिए मनोज वाईटी यूट्यूब चैनल। तो गाइस, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने स्मार्टफोन के अंदर बूट लोडर को अनलॉक कर सकते हैं अपने रेडमी नोट 10 प्रो के अंदर। तो गाइस, मैं इस प्रोसेस को रेडमी नोट 10 प्रो के अंदर आपको करके दिखाने वाला हूँ कि कैसे आपको क्या क्या करना होगा, मतलब क्या क्या सेटिंग्स वगैरह करना होगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फ़ोन के अंदर जाएंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल बूट लोडर अनलॉक के लिए आपको क्या, मैं आपको रिकमेंड करूँगा प्लीज़ आपका जो डाटा है उसको प्लीज़ रिस्टोर कीजिए, मतलब सॉरी रिस्टोर नहीं, आपको बैकअप लेना होगा एक डाटा टोटली आपको फॉर्मेट स्टोरेज को। उसके बाद ही इस प्रोसेस को वो मतलब फॉलो कीजिए, मैं आपको रिकमेंड करूंगा। तो एक डाटा को बैकअप लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट डाटा रिलेटेड में भी हो सकता है, क्योंकि आप बूट लोडर अनलॉक करोगे उसके बाद TWRP ऑब्वियसली डालोगे, क्योंकि बूट लोडर TWRP इंस्टॉल के लिए तो डालोगे ना इसलिए। तो कैसे आपको एडिशनल सेटिंग्स पे जाना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फोन पे आना हो तो मैं आपको अबाउट सेक्शन पे अंदर आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे डिवाइस नेम के अंदर तो रेडमी नोट 10 प्रो यहाँ पे लिखा गया कि आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आपको MIUI वर्सन के अंदर आप 2-3 बार टैप करना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो यू आर ऑलरेडी ऑन डेवलपर, मैंने डेवलपर ऑप्शन को ओपन कर लिया है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको एडिशनल सेटिंग के अंदर जाना होगा। जैसे कि आपको एडिशनल सेटिंग के अंदर जाएंगे तो मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे फाइनली आपको यहाँ पे एक डेवलपर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आपको डेवलपर ऑप्शंस पे जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारा चीज़ होगा, उसको एनेबल करना होगा। जैसे कि आपका हो गया OMEI लॉकिंग यहाँ पे, ये डिसेबल होगा होगा, उसको आपको एनेबल करना होगा। ओके, तो गाइस उसको एनेबल करना होगा। उसके बाद आपको आपका जो पासवर्ड है उसको एंटर कर देंगे, उसके बाद ये एनेबल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे एनेबल हो गया है, देख सकते हो यहाँ पे एनेबल्ड ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, तो आपको दिख रहा होगा शायद। यहाँ पे एनेबल्ड ऑप्शन क्लिक कर सकते हो, उसके साथ साथ USB डिबगिंग जो ऑप्शन है उसको क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा, उसके बाद आप जो हमारे चैनल को गाइस सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो, बहुत मेहनत से हमको वीडियोज़ प्रोवाइड करते हैं। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे एक स्टेप है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप MIUI अनलॉक स्टेटस पे जाएंगे तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे MIUI लॉक्ड स्टेटस दिख रहा है, मतलब ये फोन अभी लॉक है। तो देख सकते हो यहाँ पे कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो MIUI अनलॉक नीड एक्सेस टू योर MIUI अकाउंट्स ब्ला ब्ला ब्ला, तो यहाँ पे देख सकते हो एग्री आपको करना होगा। ओके, एग्री जैसे करेंगे आपको डाटा कनेक्शन को एनेबल करना होगा। जैसे आप डाटा कनेक्शन को एनेबल करेंगे यहाँ पे ऐड अकाउंट डिवाइस उसको क्लिक करना होगा। तो देख सकते हो यहाँ पे प्रिपेयरिंग पॉपअप आ गया है, प्रिपेयरिंग ऐड यहाँ पे रेडी टू टॉक सक्सेसफुल एक पॉपअप आ जाएगा। उसके बाद आप रेडी हो गए हैं उसको एनेबल करने के, मतलब बूट लोडर अनलॉक्ड करने के लिए। एक बात आपको रिकमेंडेड है कि आपका जो MIUI अकाउंट है उसको लॉग इन रखिए। जैसे देख सकते हो मैंने मेरा अकाउंट को लॉग इन रखा रखा है, तो आपको लॉग इन रखिए। उसके बाद जो प्रोसेस मैंने आपको किया इस तरह का प्रोसेस कीजिए, तो आपको और कुछ नहीं करना है। अभी आपको क्या करना है कि अभी आपको फ़ोन को वॉल्यूम डाउन बटन और पावर बटन, ओके, वॉल्यूम डाउन बटन और पावर बटन को प्रेस करके होल्ड प्रेस करके रखना है, आपका फ़ोन जाएगा फास्ट बूट मोड के अंदर। बूट लोडर को अनलॉक के लिए कुछ फाइल्स वगैरह चाहिए, जैसे कि आपको MIUI वेबसाइट के अंदर जाना होगा। और अनलॉक को वेबसाइट के अंदर जाएंगे तो एक जीव फाइल्स मिल जाएगी MIUI फ्लैश टूल के नाम में, तो मैंने ऑलरेडी लगा रखा है, मतलब डाउनलोड कर रखा है। तो गाइज आपको सिंपली इसको डाउनलोड करना है। तो गाइज आपके कंप्यूटर में डेस्कटॉप के अंदर नेट होना जरूरी है, नहीं तो प्रॉब्लम आ सकता है, मतलब काम नहीं करेगा स्टेप। तो फिर तो देखते रहिए स्टेप टू स्टेप वाइज। तो यहाँ पे देखते तो यहाँ पे फ्लैश अनलॉक टूल मतलब मैंने एक्सट्रैक्ट कर रखा है, तो जीप फाइल ऐसा कुछ आपको मिल जाएगा। मैं जैसे आपको हाईलाइट कर रखा है यहाँ पे देखते तो ऐसा कुछ फाइल्स मिल जाएगा। आपको सिंपली एक्सट्रैक्ट करेंगे तो इस तरह कुछ ऊपर जो फाइल्स है इस तरह कुछ आपको फाइल्स मिल जाएगा। तो फाइल एक्सपेक्ट करने के बाद इस तरह को मिलना कि आपको यहाँ पे USB ड्राइव मिल जाएगा, आपको उसको ड्राइव इंस्टॉल कर सकते हो, क्योंकि नया फ़ोन है, ड्राइव आपका फ़ोन से नहीं है तो फ़ोन कनेक्ट होने में बहुत दिक्कत होगा, तो इसीलिए इसको ड्राइव फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्टॉल कीजिए। उसके बाद आपको जो MIUI फ्लैश है मैं उसके बाद बताने वाला हूँ, आप देखते रहिए। उसके बाद सर्च करने वाले हैं तो गाइस ये जो ड्राइव्स पर अगर आप पहले इंस्टॉल करेंगे तो नहीं तो फोन कनेक्ट नहीं होगा और फ्लैश भी नहीं होगा। तो पहले इसको क्लियर कीजिए, उसके बाद यहाँ पे इंटरफेस आ जाएगा। फ्लैश अनलॉक जैसे ओपन करेंगे नीचे में ड्राइव के नीचे एक फ्लैश होगा, तो देख सकते हो यहाँ पे। और इस पर आपको जो IDs वगैरह है मतलब MIUI अकाउंट OTP के थ्रू लॉग इन कर सकते हो। यहाँ पे जो नीचे लिखा गया है साइन इन विद पासवर्ड उसको क्लिक करके आप यहाँ पे पासवर्ड के साथ कनेक्ट कर सकते हो, मतलब पासवर्ड के साथ कनेक्ट कर जैसे करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो आपका अकाउंट लॉग इन होने के बाद चेकिंग होगा। इस तरह कुछ परमिशंस मांगेगा, इसे चेकिंग होने के बाद आप आपके फ़ोन को आपको यहाँ पे कनेक्ट करना होगा, जैसे आपके फ़ोन को डायरेक्ट यहाँ पे कनेक्ट करना होगा। फ़ोन को मैं अभी फास्ट बूट मोड के अंदर ऑन करूँगा, तो गाइस देख सकते हो मेरा जो कनेक्टेड है फ़ोन के अंदर केबल्स, तो डाटा केबल्स। तो मैं सिंपली क्या करना होगा, आपको वॉल्यूम डाउन बटन और ओके पावर बटन को क्लिक करके रखना है और आप जाएंगे फास्ट बूट मोड के अंदर। ओके, आपको फास्ट बूट मोड पे अंदर आप चला जाएंगे, जैसे ही चला जाएंगे यहाँ पे ओके,
तो गाइस देख सकते हो फास्ट फूड मोड के अंदर जाएंगे तो फोन डायरेक्ट आप देख सकते हो पीसी के अंदर आप ध्यान दोगे तो फिर फोन इस कनेक्टेड लिख रहा है, मतलब फोन को डिटेक्ट हो चुकी क्योंकि ड्राइव्स वगैरह यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो। तो ड्राइव को इंस्टॉल प्रॉब्लम फोन कनेक्ट नहीं हो रहे तो यहाँ पे ड्राइव्स को इंस्टॉल कर लोगे तो फोन कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपको अनलॉक बटन आ रहा है तो देख सकते हो मैं यहाँ पे जो हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पे अनलॉक सिंपली अनलॉक को क्लिक करना है। देख सकते हो फोन द इरेज ऑल डाटास, ओके कंटिन्यू टू अनलॉक, यस कंटिन्यू हम करेंगे। और यहाँ पे दिख रहे हैं तो आप जैसे अनलॉक करेंगे उसके बाद आपको मार्वल्स वगैरह अटैक हो सकता है, यहाँ पे आप फाइनेंशियल लॉस हो सकते हो, ऐसा कुछ नहीं होता है एक्चुअली यहाँ पे। तो गाइस फोन अभी मेरा फास्ट बूट मोड के अंदर है तो सिंपली आपको यहाँ क्या करना होगा, सिंपली अनलॉक एनीवे पे क्लिक करना होगा। ओके जैसे कि अनलॉक एनीवे क्लिक करेंगे तो फोन मतलब हमारा जो फोन है बूट लोडर अनलॉक हो जाएगा। ओके तो यहाँ पे 85% हो रहा है, 95% तो सिंपली यहाँ पे अनलॉक हो जाएगा, तो वेट करना। ओके देख सकते हो फोन अनलॉक हो चुका है, मतलब यहाँ पे फोन अनलॉक हो चुका है, यहाँ पे बूट लोडर भी अनलॉक हो चुका है। तो गाइस देख सकते हो फोन को अभी रिबूट करने के लिए पूछ रहे हैं तो फोन में अभी कुछ प्रोसेसिंग वगैरह चल रहा है यहाँ पे आप देख सकते हो। तो फोन फाइनली अनलॉक हो चुका है तो सिंपली आपको क्या करना होगा, सिंपली फोन को बूट के अंदर डालना होगा, फोन में कुछ प्रोसेसिंग वगैरह चल रहा है यहाँ पे आप देख सकते हो, कुछ ऑटोमेटिकली फोन ऑन हो रहा है और कुछ प्रोसेसिंग चल रहा है तो सिंपली फोन को यहाँ पे बूट तो फोन को यहाँ पे कर सकते हो। ओके जैसे कि फोन को बूट करोगे फोन सिंपली यहाँ पे बूट हो रहा है, देख ऑप्शंस पे आया कि एमआई अनलॉक स्टेटस में देख सकते हो फोन इज नाउ अनलॉक्ड हियर, देख सकते हो फोन ऑलरेडी अनलॉक्ड हो चुका है। तो गाइज मेरे को उम्मीद है आपको इस छोटा सा वीडियो था अगर कैसे अनलॉक करेंगे बूट लोडर तो आपको पसंद आएगा, तो पसंद आया तो ये जो मेथड है आपको रेडमी नोट्स में नोटिफिकेशन के लिए ऑलरेडी काम करेगा, सभी फोन के लिए ये जो मेथड है सभी फोन रेडमी फोन के लिए काम करेगा। तो गाइज मेरे को उम्मीद है आपको इस वीडियो पसंद आएगा, पसंद आया तो पसंद लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक क्या चुनिए नेक्स्ट वन विद द नेक्स्ट वीडियो एंड गुड बाय।